गुड मॉर्निंग लीडर्स। हाय, मेरा नाम है ममता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं मोदी केयर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर करते हुए पिछला एक साल हो चुका है मुझे। पिछले एक साल से मैं मोदी केयर कर रही हूँ। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर सोचता है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करे ताकि आगे का टाइम उसके लिए आरामदायक हो। वैसे ही आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक इंसान है जो धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसके पास एक बहुत सुंदर सा घर होता है। घर के सामने तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ऊपर आसमान से पैसों की बरसात हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई सपना नहीं है। अगर आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर के साथ काम करते हैं, एज अ कंज्यूमर ज्वाइन करते हैं या एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं, तो ये दिन आपकी जिंदगी में भी बहुत जल्द आ जाता है। आइए हम बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चेंज योर लाइफ। शुरुआत करने से पहले, जितने भी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से समझा है, उन सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो मैं आशा करती हूँ आज अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो आज के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है। हम सभी एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें पैसा ना लगे। वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। पैसा आए तो सही, लेकिन पैसा हमें लगाना ना पड़े। तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है, फिर भी हम इस बिजनेस में इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और ये बिजनेस आपके साथ सिर्फ शेयर किया जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है। आखिर का फैसला आपका होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आज आपने ये प्रेजेंटेशन देखी है तो आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना ही है। ये कंपल्शन नहीं है इस बिजनेस में दोस्तों। ये बिजनेस सिर्फ आपके साथ शेयर किया जाता है, लेकिन फैसला आपका होता है। तो अपने आप पे कोई प्रेशर मत रखिएगा कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपको लगे कि हाँ, ये बिजनेस आप इजीली आराम से, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, तो आप जरूर फैसला लीजिएगा हाँ में। और इस बिजनेस में वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते जिनके पास कुछ सपने नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा चैलेंज हम लोगों के सामने इस बिजनेस में सिर्फ यही आता है, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप 8 से 9 घंटे की अगर कोई जॉब करते हैं, हमारे व्यूअर्स जो भी जॉब लाइन में है उनको सबको मालूम होगा कि अगर वो जॉब करते हैं तो हमारे सिर पे एक बॉस होता है जो हमसे हमारे टारगेट्स, हमसे हमारे काम के बारे में अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हमने आज के पूरे दिन में 8 से 9 घंटे की शिफ्ट में कितना काम किया। उसी की हमें पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। लेकिन इस बिजनेस में आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इस बिजनेस में ना तो हमारा पैसा लगा है और ना ही हमसे कोई पूछने वाला है कि हमने अपने सपने पूरे किए या नहीं। हमें अपने सपने अपने आप पूरे करने हैं। लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज हम आपको ये जरूर दिखाएंगे कि वो सपने जो आपके दिल में कहीं ना कहीं संजोए बैठे हैं, हाँ, आपके दिल में कहीं ना कहीं दब गए हैं, सिर्फ महंगाई के कारण, सिर्फ आप नहीं कर सकते हैं इस बेसिस के कारण, वही सपने पूरा करने का आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपके सपने नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है होते हैं हमारे सपने। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सपने कैसे होते हैं। सबसे पहला सपना हम लोगों के पास होता है आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम सभी चाहते हैं कि हम जब भी मार्केट जाएं तो किसी भी चीज को लेने के लिए हमें टैग लिस्ट ना देखनी पड़े। मान लीजिए अगर हम कोई शर्ट देख रहे हैं, बच्चों के लिए कोई ड्रेसेस देख रहे हैं, या फिर अगर हम कोई बात करें कि हम अपनी कोई साड़ी देख रहे हैं, तो उन चीजों को खरीदने से पहले हमें उसका प्राइस ना देखना पड़े, तो ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम कौन नहीं चाहेगा। आई होप सब चाहेंगे। दूसरे है हमारी परिवार के साथ समय बिताना। जिस माहौल में आजकल हम सभी रहते हैं, उसमें क्या होता है कि या तो हम जॉब में बिजी होते हैं या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सारा कंसंट्रेशन बिजनेस के ऊपर लगाना होता है, तभी हमें प्रॉफिट होगा।
अगर हम जॉब कर रहे हैं, 8 से 9 घंटे की शिफ्ट कहने की बात होती है, आना जाना, उसके बाद टाइम देना, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना, इन सब में हम निग्लेक्ट करते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली को, उस फैमिली को जिसके लिए हम कमा रहे हैं। तो कैसा रहेगा कोई एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने परिवार को टाइम देते देते उस बिजनेस को आगे पहुंचाए। और दोस्तों, सपनों का घर कौन नहीं चाहता? हमारे यहाँ पे कौन ऐसा है जो सोचता है कि नहीं, हम जिस घर में रहते हैं वही सबसे सुंदर है? आई होप सब यही सोचते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आज तक अपने सपनों का घर बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी छोटे से कोने में आपके दिल में भी एक ऐसा ख्वाब होगा, एक ऐसा सपना होगा जिसमें आपने अपने घर की कल्पना करी होगी। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस से आपका वो सपना पूरा हो सकता है, आपका सपनों का घर बन सकता है, तो आइए चलते हैं हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। और मान सम्मान, हम सभी इस चीज के बहुत प्यासे होते हैं मान सम्मान के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी उस चीज में तारीफ हुई है कि नहीं। अगर हम जॉब में कोई काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बॉस हमें अप्रिशिएट करे। अगर हम कोई भी घर पे भी काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमें अप्रिशिएट करे। तो अप्रिसिएशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, और ऐसी अप्रिसिएशन जहाँ पे 500 से 1000 लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हों और आपका नाम लिया जाए और तालियों की गड़गड़ाहट में जब आप स्टेज पे जाएं, तो दोस्तों सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा मान सम्मान कौन नहीं चाहेगा? सपनों की गाड़ी भी एक बहुत बड़ा सपना होता है। हम सभी के पास बाइक, स्कूटी, स्कूटर या कार होती है, लेकिन दोस्तों क्या वो हमारे सपनों की गाड़ी है? क्या हम उसी गाड़ी को चला रहे हैं जो हम आज के डेट में हमारे पास है? हम वही सपनों की गाड़ी चला रहे हैं? अगर आप सपनों की गाड़ी देखना चाहते हैं अपने घर के सामने, तो इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखिएगा। और सुरक्षित भविष्य, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके आने वाले भविष्य के लिए। आपका भविष्य सिक्योर्ड है या नहीं, आपको जॉब या बिजनेस में ये टेंशन हमेशा लगी रहती है दोस्तों कि मेरा बिजनेस कल कैसा होगा, मेरी जॉब कल रहेगी या नहीं रहेगी। जाने या ना जाने, आपको ये डर आज की डेट में जरूर लगा रहता है। कोविड के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस, जिनकी जॉब हाथ से निकल चुकी है। हम चाहेंगे आप एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन करें जिसमें आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी हो। और ऐसे ही समय में अगर हम बात करें फ्री में हमें फॉरेन कंट्री जाना पड़ जाए, और वो भी बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्री जा रहे हैं तो आप अपनी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लो क्लास की टिकट होगी, लो बजटेड होटल होगा, ऐसा नहीं है। 5-स्टार होटल्स विद A1 डीलिंग, आपको रॉयल फीलिंग आएगी। मतलब ऐसा सपना जो आपने आज तक देखा भी नहीं होगा, वो सपने पूरे होंगे इस बिजनेस में। और इस दौड़ भाग की जिंदगी में दोस्तों, कहीं ना कहीं हम दूसरों से दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, एक मेंटल पीस होती है हमारी लाइफ में। अगर हम वो किसी को मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। वही मदद अगर हम दूसरों की इसलिए करते हैं कि उनके भी सपने पूरे हो सके, तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं आगे। दोस्तों, होता क्या है कि आजकल के टाइम पे हम सभी ने अपने घर में या कहीं बाहर ये लाइन जरूर सुनी होगी कि दोस्तों, पैर उतने पसारने चाहिए जितने की जितनी बड़ी आपकी चादर होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने उतने ही पैर पसारते हैं, उतने ही पैरों को फैलाते हैं जितनी हमारी इनकम होती है। जितनी हमारी इनकम होती है उसी के हिसाब से हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं। हम उतने ही पैसे खर्च करते हैं जितनी हमारी इनकम होती है अपने घर के राशन के ऊपर। अगर हमारे पास इनकम की शॉर्ट होती है, इनकम शॉर्टेज होती है, कम इनकम आती है, तो हम गाड़ी में कम पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी छोटी लेके आते हैं, घर रेंट पे लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने आपको ये सलाह दी है कि दोस्तों अपनी चादर बड़ी कर लीजिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। जितनी इनकम हो उतने पैर पसारने चाहिए, जितनी चादर हो
उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन हम अपनी चादर का साइज बड़ा कर सकते हैं। तो आप अपने सपनों से समझौता करना चाहते हैं या अपनी इनकम को बढ़ा करके सपनों को पूरा करना चाहते हैं? आपकी आज की आमदनी के हिसाब से अपनी इनकम को आपको बड़ा करना होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम अपनी इनकम को बड़ा करने लगते हैं ना, तो दो राक्षस होते हैं, बहुत भयानक राक्षस। उनका नाम क्या होता है? एक का नाम है महंगाई और दूसरे का नाम है जिम्मेदारी, इन्फ्लेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये दो राक्षस ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे सामने हमारी इनकम को बढ़ने नहीं देते। कितनी भी आपकी इनकम बढ़ा लेते हैं, ये महंगाई और जिम्मेदारी हमें हमारी इनकम को बढ़ने नहीं देते। हम जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम लग्जूरियस लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ जाती है। हम पहले स्टूडेंट होते हैं, अपनी लाइफ पे स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई पे स्पेंड कर रहे होते हैं, और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा बॉस हमारी इनकम नहीं बढ़ाता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ती। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में 1960 की अगर हम बात करें तो 100 रुपए में आराम से एक न्यूक्लियर फैमिली का गुजारा ठीक ठाक से चल जाया करता था। क्योंकि हमारे, आपको मालूम होगा, हमारे पेरेंट्स लोग हमें ये कहानियां सुनाया करते थे कि 1960 में 100 रुपए एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार आराम से बैठ के खाता था। और 1980 में यही घर 1,000 रुपए में चलने लगा। 2000 आते आते महंगाई बढ़ गई 10,000। 10,000 रुपए कमाते थे और पूरा परिवार खाता था। अब 2020 की भी बात कर लेते हैं, जब हमें 1,00,000 रुपए की जरूरत होती थी और फिर भी हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी होती थी। आगे आने वाले समय में 20 साल के बाद 2040 आने वाला है। दोस्तों क्या आप तैयार हैं 10 लाख की इनकम के साथ? अगर आपके पास 10 लाख की इनकम का जुगाड़ हो चुका है महीने का, तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको। लेकिन इन केस अगर आपके पास 2040 में 10 लाख रुपए का जुगाड़ मंथली इनकम में नहीं हुआ है, प्लीज तो आप इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन 2040 आने से पहले पहले हमारे पास 10 लाख की इनकम देने वाला प्लान लेकर आई है। तो देखिए, होता क्या है कि हमारी जिंदगी कल, आज और कल पर निर्भर होती है। कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं और कल हम कैसे होंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम अपने पास्ट की बात करें तो जब से हम पैदा हुए हैं 20 साल की उम्र तक हम अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई पर, हमारी एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद हमारे पेरेंट्स कुछ लोन लेके हम लोगों की शादी की कर देते हैं। शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक घर ले लें। अब हम लोन ले लेते हैं। अब हम लोन उतारते उतारते इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं साथ से साथ। अब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी भी शादी करनी पड़ जाती है और उम्र इस समय हमारी हो गई है 60 साल, रिटायर होने वाली उम्र। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद के जीवन की बात करें तो 45% लोग बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और 30% लोग 30% लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। 23% लोग आज भी अपने इनकम के लिए काम कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 2% लोग आर्थिक रूप से आजाद हैं। तो दोस्तों क्या आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? अभी भी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक बहुत सुंदर सा घर जिसके आगे स्विमिंग पूल है, एक इजी इजी चेयर है जिसपे आप आराम से बैठ सकते हैं, एक प्लेन है जो आपको हवाई जहाज से पूरे विश्व की यात्रा कराएगा, पूरा वर्ल्ड टूर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ऐसा बंगला जिसके आगे आपके सपनों की गाड़ी खड़ी हुई है और आगे छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा गार्डन। तो आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का एक आसान सा तरीका, और वो भी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलते हुए। अब रोजमर्रा की जिंदगी कौन सी होती है, रोजाना की आदतें कौन सी होती हैं दोस्तों?
वो होती है सुबह सुबह ब्रश करना, सबसे पहली आदत। क्या हम ब्रश करते हैं? जी हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या हम रोज नहाते हैं? जी हाँ बिल्कुल नहाते हैं। क्या हम चाय पीते हैं? जी हाँ चाय के साथ साथ मैं तो कॉफी भी पीती हूँ। इन सभी जरूरतों का सामान दोस्तों हम कहाँ से लेकर आते हैं? नुक्कड़ की दुकान से, या फिर मॉल से, या फिर हो सकता है कैंटीन से। तो ये हमारा खर्चा हमेशा महीने का बना रहता है। तो आइए चलिए इस खर्चे को हम हर महीने की इनकम में बदल लेते हैं। बाजार से खरीदने में दोस्तों खर्चा होता है। आप मानते होंगे जब भी हम बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसमें हमारा खर्चा होता है। हम क्या करते हैं, सीधा दुकान के पास जाते हैं। अगर हमारे घर में चाय खत्म हो जाती है, चाय पत्ती, तो हम दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं एक पैकेट चाय दे दो। अब दुकानदार वहीं बैठे बैठे तो चाय बनाता नहीं है, वो क्या करता है होलसेलर से चाय की चाय होलसेल में ले लेता है। अब होलसेलर खुद तो चाय नहीं बनाता, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कंपनी से। और इन चीजों के बीच में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो कि स्पेंड होती है विज्ञापन के ऊपर, एड्स के ऊपर। आपको मालूम होगा बहुत सी एड बहुत सी सेलिब्रिटीज करते हैं जो कि उनके पास उनकी पेमेंट चली जाती है, लेकिन वो पेमेंट जाती कहाँ से? हम लोगों की पॉकेट से। दोस्तों एक 35 रुपए का प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरता है तो उसकी एमआरपी हो जाती है 100 रुपए। क्यों? क्योंकि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी और एड्स, ये सारे खर्चे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो एक 35 रुपए का प्रोडक्ट हमारे पास आते आते हो जाता है 100 रुपए का प्रोडक्ट। यही 35 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप मोदी केयर से लेंगे तो वो भी हो सकता है आपको 100 रुपए का मिले, लेकिन 35 रुपए से 100 रुपए के बीच की जो आमदनी होती है वो हम लोगों की पॉकेट में जाती है। जो जितना काम करता है उसको उतना मुनाफा होता है। लेकिन प्रोडक्ट हमें इंटरनेशनल क्वालिटी का मिलता है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट सही दामों पर, लेकिन पैसा हमारे घर पर वापस। मोदी केयर से खरीदने में यही फायदा होता है, बचत भी होती है और आमदनी भी होती है। तो आइए जिंदगी बदले, बाजार से न खरीद कर मोदी केयर से खरीदते हैं। जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा तो दोस्तों ये होता है कि ये बिजनेस एक बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको एक पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, कोई लॉस नहीं है, जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी है तो लॉस किस चीज का। और कोई बॉस नहीं है, सबसे बड़ी चीज कि हमें किसी को आंसर नहीं करना है, हमारे ऊपर डंडा लेकर नहीं खड़ा है, कोई बॉस नहीं है, जितना चाहे उतना कमाएं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस बिजनेस में आप 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, आप और आपका परिवार मिलके कर सकते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का बिजनेस है। अगर भगवान ने करे इस बिजनेस को करते हुए हमें कुछ हो जाता है, हमारे लाइफ में कुछ अनहोनी हो जाती है और हम नहीं रहते हैं, तो ये बिजनेस हमारी फैमिली में किसी को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी का बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस बिजनेस में, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब हम जॉब करते हैं तो हम 8 से 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 1 महीने बाद हमारे घर में 30 से 35 हज़ार की सैलरी आती है। अगर हम एक भी दिन छुट्टी कर लेते हैं तो सैलरी कट जाती है, लेकिन अगर हम पूरे महीने भर की छुट्टी कर लें तो क्या वो सैलरी हमको मिलेगी? जी नहीं, वो नहीं मिलेगी। हम 1 महीना अपनी दुकान खोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान खोलते हैं रोजाना, हमारे घर में 40 से 50 हज़ार रुपए रोजाना हमारे काम करने के बाद महीने भर में हमारा मुनाफा होता है। 2-4 दिन अगर किसी कारणवश हमने दुकान नहीं खोली तो क्या हमारे घर में 50 हज़ार रुपए का मुनाफा आएगा? जी नहीं। और अगर ये दुकान पूरा महीना भर नहीं खुली तो क्या ये मुनाफा हमारे घर आएगा? जी नहीं। लेकिन पैसिव इनकम होती है, हम काम करें तो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन अगर हमने ऐसा काम करा कि हमारे घर में पैसा लगातार आता जाएगा तो हम उसे पैसिव इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट टाइम बिजनेस।
ये बिजनेस हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इस बिजनेस को फुल टाइम ज्वाइन करना है। अगर आप अपनी जॉब या फिर अपने बिजनेस के साथ ही इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे हर रोज का 1 घंटा आधा घंटा देकर आप इसे पार्ट टाइम करिए। जब आपको लगे कि हाँ ये इनकम आपको आपकी सैलरी या आपके बिजनेस से ज्यादा आपको मुनाफा दे रही है तब आप इसे फुल टाइम करिएगा। मोती केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि इंडिया में सिंस 1996 से आई है। ये IDSA द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर रखती है। 12 कैटेगरीज में बिलोंग करती है और 600 से ज्यादा प्रोडक्ट आई एम सॉरी बट इस पे 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और बहुत से पुरस्कार रोके से विजेता है। मोदी के कंपनी के CEO समीर मोदी जी हैं जिनका एक ही सपना है, वो है आजादी, आर्थिक आजादी, फैमिली के लिए समय की आजादी, जिंदगी भर के लिए फैमिली की सिक्योरिटी। मोदी के हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का। आपने देखा होगा मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, मोदी शुगर, मोदी नगर जो हरिद्वार जाने के रास्ते में आता है, मोदी मिल 24/7 जो हम लोगों के एरिया में कुछ कुछ जगहों पे खुले हुए हैं, मोदी धागे, मोदी ग्लास, कलर बार, पान विलास, इंडोफिल, GPI सब इसी के पार्ट्स हैं। 63,000 प्लस करोड़ की इनकम रखने वाला है मोदी केयर। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जीवन बदल देने वाले प्रोडक्ट्स जो हमें देते हैं अनोखा परिणाम और समाधान, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मोदी केयर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल क्वालिटी के सामान होते हैं, सामान की उचित कीमत होती है, दैट मीन जितना सामान की कीमत है उससे ज्यादा उसकी वर्थ होती है। केवल मोदी केयर कंपनी जो देती है 100% संतुष्टि की गारंटी, सैटिस्फैक्शन गारंटी। हर प्रोडक्ट के ऊपर समीर मोदी जी के सिग्नेचर्स के साथ में ये लिखा हुआ है, यदि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं स्वयं आपको पूरे पैसे लौटाने की 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। अगर आप किसी भी दुकान से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उसे खोलते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता तो चाहे अच्छा हो या ना हो आपको वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप दुकानदार को बोलेंगे वो वापस ले ले तो क्या दोस्तों वो वापस लेता है? जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं मोदी केयर, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, वैसे तो उसके सारे प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं कि आप एक भी प्रोडक्ट वापस नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो खुला हुआ पैकेट यूज करने के बाद भी आप इसे वापस कर सकते हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है? रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%, 20% का रिटेल प्रॉफिट होता है ऑन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। री परचेज ऑफर मिलता है, दैट मीन्स अगर आपका बिल 1,000 रुपये से 11,000 रुपये तक का खरीद होती है आपके बिल अमाउंट की, तो 10% का आपको हर महीने गिफ्ट मिलता है। 7 से 16% का एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस होता है, APB, आपके BVS के ऊपर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लॉयल्टी, देखिए आज से पहले भी आप मार्केट से सामान ले रहे थे, हो सकता है 10 साल से, हो सकता है 5 साल से, लेकिन कभी आपके जहां से भी आप सामान ले रहे थे आपके नियर बाय स्टोर में, तो क्या कभी उस दुकानदार ने आपको बोला है पिछले 4 साल से आप मुझसे सामान ले रहे हैं, पिछले 20 सालों से आप मुझसे सामान ले रहे हैं, तो इस महीने आपके घर का राशन मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त? जी नहीं दोस्तों, ऐसा आज तक मेरी लाइफ में तो कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो 6 महीने का सामान लेने पे अगर मैं 2,500 रुपये का सामान अगले 6 महीनों तक लेती हूँ तो 7वें महीने में कंपनी मुझे 2,500 रुपये, दैट मीन्स मेरे 6 महीनों की एवरेज का 7th month में राशन फ्री। मतलब 2,500 से 5,000 का सामान अगर मैं 6 महीने में लगातार लेती हूँ तो 7वें महीने में मुझे उसकी एवरेज का सामान फ्री मिलता है, मेरी मनपसंद चीजों का।
यही चीज, यही लॉयल्टी अगर मैं अगले 6 महीनों में दोबारा करती हूँ तो कंपनी मुझे 13वें और 14वें 13वें महीने में 2 महीने के कूपन देती है, जिसमें 2,500 रुपये का सामान अगर मैंने आगे के 6 महीनों में लिया तो मुझे 5,000 रुपये का कूपन मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैंने पैसे तो दिए 15 महीनों के, सॉरी पैसे दिए मैंने 12 महीनों के, सामान मेरे घर पे आया 15 महीनों का, क्योंकि 3 महीने तो मुझे कंपनी ने फ्री में दिया है। इसे कहते हैं लॉयल्टी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें 7% से 16% तक का एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे कि जब हम ज्वाइन करते हैं मोदी केयर एज अ कंसल्टेंट होते हैं और वो हमें मिलता है कैशबैक 7% का, जब हमारे पीवीज होते हैं 1 से 300 तक, और धीरे धीरे जब हम सामान लेते हैं या फिर हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग अपनी दुकान बदल के मोदी केयर से सामान लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा टाइटल थोड़ा सा जंप कर जाता है। 300 पॉइंट होते ही, 301 पॉइंट करते ही हमारा टाइटल हो जाता है सीनियर कंसल्टेंट, और ये टाइटल बरकरार रहता है 10% पे 1200 पीवीज करने तक। ऐसा ही करते करते हम या हमारे साथ कुछ लोगों ने अगर अपनी दुकान बदल ली तो हम लोगों हमारा टाइटल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर 1201 पीवी करते हुए, ये बरकरार रहता है 13% पे तब तक जब तक कि हमारे 2700 पॉइंट्स नहीं हो जाते। जैसे कि एक छोटे बच्चे को मान लीजिए 1 साल लग जाता है अपनी क्लास कंप्लीट करते करते, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो 2 दिन, हो सकता है आप 10 दिन में ये कर लें, हो सकता है 1 महीने में, या हो सकता है 1 साल में आप अपने टाइटल को जंप करें, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। आपकी स्पीड आपकी सक्सेस बताती है। ऐसे ही करते करते जब आपके पीवीज हो जाते हैं 4001 तो दोस्तों आप बन जाते हैं कंपनी के पार्टनरशिप डायरेक्टर। ये पोजीशन होती है 16% की। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो कंपनी आपको एक और बोनस देती है, वो है डायरेक्टर बोनस। अब हम देख लेते हैं कि एक्यूमुलेशन की पावर क्या होती है। मान लीजिए 1 महीने में आपने अपने ग्रुप के पीवीज करे हैं 200 और उस समय आपका टाइटल था 7% का, तो आपका एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस आपके 200 पीवीज का 7% हुआ, 378 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ऐसे ही दूसरे महीने में जब आपने पॉइंट्स करे आपके और आपकी टीम के जिनकी आपने मोदी खेत में शॉप चेंज कराई है तो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 400 टोटल, लेकिन आपको आपका टाइटल हो जाता है सीनियर कंसल्टेंट, आपको 10% के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट मिलता है कैशबैक मिलता है वो है 540 का। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल, अगर आपने पॉइंट्स करे हैं 1500, आपका टाइटल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप 13% पे हैं तो आपका एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस हो जाता है 5,265 रुपए का। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में 1500 पॉइंट्स करने पे अगर आप सुपरवाइजर के टाइटल पे होते हैं 15% के हिसाब से तो आपको एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 6,075 और दूसरे एग्जाम्पल में 6,480। जब आप डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर बनने पर आपको 4% का डायरेक्टर बोनस मिलता है। वो कैसे मिलता है? जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं दोस्तों, आपके ऊपर कंपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आपको और आपकी टीम को जिनकी आपने दुकान बदलवाई है उन सबको मिलके 1250 पीजीबीवी करने होते हैं, इतने पॉइंट्स करने हैं। अगर आप इतने पॉइंट्स कर लेते हैं तो आपको कंपनी का 4% का डायरेक्टर बोनस दिया जाता है। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप अगर अपनी टीम में जिन लोगों की आपने दुकान बदलवाई है, जिन लोगों के साथ आपने अपना सफर शुरू किया है, टीम बनाए है, जब उसी टीम में एक इंसान को आप डायरेक्टर बनवा देते हैं, जब वो डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं, दैट मींस 1250 पीजीबीवी कर लेते हैं, तो आपको मिलता है कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा करने के लिए 3% का बोनस। अब आई बात कार की। जब आप डायरेक्टर होते हैं, आई एम सॉरी
सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं और आपके नीचे आपकी डाउनलाइंस में 3 डायरेक्टर्स आप क्रिएट कर देते हैं और अपनी बाकी की लेग से 600 PGBV करना है, जो कि बहुत सिंपल हो जाता है उस समय। तो कंपनी आपको देती है 5% का पूल बोनस, जो कि आपको कार लेने में मदद करता है। अब आप बन गए हैं रेजिडेंशियल डायरेक्टर और आपने अपने डाउनलाइंस में 6 डायरेक्टर्स बना दिए हैं, दैट मींस 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर, जो कि हर डायरेक्टर कर रहा है 1250 PGBV। तो कंपनी आपको आपके सपनों का घर लेने में 3% का पूल बोनस देती है। इसी के साथ साथ कुछ रॉयल्टी बोनसेस भी होते हैं, जैसे अटूट बंधन बोनस, वो होता है 2% का जब आपके डाउनलाइंस में 8 डायरेक्टर्स हो जाते हैं। टीम बिल्डर बोनस, जब आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर तो कंपनी आपको देती है 14% का टीम बिल्डर बोनस। ऐसे ही लीडरशिप बोनस भी आपको 15% का दिया जाता है। दोस्तों आओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलिए आपका प्री रजिस्ट्रेशन करके आपकी पसंद से 1800, इस प्रेजेंटेशन में 1500 लिखा है लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है, 1800 से 15000 का घर का कोई भी सामान लेकर आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने 4000 रुपए से शुरुआत करी। जब आप 4000 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो है 4600 रुपए के, क्योंकि MRP पे तो उनकी 4600 की वैल्यू है। 4000 के ऊपर आपको 400 रुपए 10% के हिसाब से गिफ्ट मिल गया 400 रुपए का, और चेक बना आपका 100 रुपए, तो टोटल फायदा अप्रोक्सीमेट आपको हुआ 5100 रुपए का। दोस्तों मुझे इसमें कोई लॉस नहीं दिखाई दे रहा कि अगर मैं 4000 रुपए खर्च करूं और मेरे घर में जो प्रोडक्ट्स आए वो है 5100 रुपए के, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। तो आइए बेहतर जिंदगी के लिए आपका निर्णय जानते हैं। मान लीजिए अगर आप आज की डेट में इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है आपको मोदी केयर ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना नंबर मेंशन करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी और सारा प्लान दोबारा से क्लियर कर दूंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके फायदे क्या क्या होंगे, अप टू 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है, 10% तक का आपको फ्री गिफ्ट मिलता है, 20% तक का लॉयल्टी बोनस, 7 से 16% बीवी पर हर महीने का कैशबैक, दैट मींस चेक में ट्रांसफर हो जाता है, 4% पूल बोनस जो कि डायरेक्टर बोनस होता है, 3% ट्रैवल बोनस, 5% का कार बोनस और 3% का हाउस फंड, रॉयल्टी इनकम में 2% अटूट बंधन बोनस, 14% टीम बिल्डर बोनस और 15% लीडरशिप बोनस। ये सारे बोनसेस आपको तभी मिलते हैं जब आप आज की डेट में इस बिजनेस में हाँ करते हैं और एक कमिटमेंट करते हैं कि यस आज के बाद आप अपने लाइफ को चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप ना करते हैं, दोस्तों आपको लगता है आज की डेट में आपको कोई नुकसान हुआ, ये प्रेजेंटेशन देखने में सिर्फ आपका समय गया, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई जिसको आपने ग्रैब नहीं किया, आपने नहीं लिया, आप इसे मना कर देते हैं, तो क्या होगा, जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। कष्टों से मरने वाला कहलाता है कस्टमर, वही रहेंगे। ट्रेनिंग, यहाँ पे अगर आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, बिजनेस कैसे करना है, अपनी हेल्थ कैसे बढ़ानी है, वेल्थ कैसे बढ़ानी है, ब्यूटी पे ट्रेनिंग होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सी ट्रेनिंग्स। देखिए दोस्तों दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, कुछ जो कुछ करके दिखाते हैं, जैसे कि मैंने किया, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया तो मैंने इसे पहली बार में हाँ कर दिया और आज की डेट में सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। दूसरे वो
जो इंतजार करते हैं दूसरों के सफल होने का कि पहले आप कर लो उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमेशा हैरान होते रहते हैं कि अच्छा उसने 4 लाख रुपए उसके अकाउंट में आने लग गए बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा वो 50 लाख की गाड़ी भी ले आया और 1 करोड़ का घर भी बना लिया। तो दोस्तों आप इनमें से कौन से हैं? जब आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपके सामने ना 10S आते हैं, सक्सेस सिस्टम। वो 10S कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सेल्फ कमिटमेंट। देखिए ज्वाइन तो सब कर लेते हैं, एक आईडी लगानी, आधार कार्ड लगाना और ज्वाइन कर लेना, एमसीए नंबर बन जाता है, कुछ सामान खरीदा और बन गया मोदी के कंसल्टेंट। लेकिन जब तक आप अपने आप से, अपने सपनों से, अपने बच्चों से सेल्फ कमिटमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, उस दिन ही, तभी से आपकी ज्वाइनिंग होती है जिस दिन आप सेल्फ कमिटमेंट करते हैं। आपको सेल्फ यूज भी करना है। अगर आप मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने घर की दुकान खुद बदलिए, पहले आप बदलिए फिर दुनिया को बदलिए। फिर जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिए और स्पॉन्सर करिए। देखिए दूसरे को ज्वाइन नहीं कराना है, ज्वाइनिंग तो हम ऐसे ही करा सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर करना है, जिम्मेदारी लेनी है उस इंसान को सफल बनाने की जिसने आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो हम ऐसे कहते हैं स्पॉन्सर करना, जिम्मेदारी लेना। और एक बिजनेस में S5SW होते हैं, सम विल, कुछ लोग आएंगे, सम वोंट, कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? सो वॉट, समवन इज वेटिंग, कुछ कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टार्ट वर्किंग, तो आप काम करते रहिए, रुकिए मत। लगातार काम करने वालों की हमेशा सक्सेस मिलती है उनको। प्लस इसके साथ साथ आप सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, जूम पे ट्रेनिंग्स होती हैं, पूरे दिन में 4 से 5 बार ही ट्रेनिंग होती है। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप सिस्टम से जुड़िए, अपने सपनों को बड़ा रखिए। छोटे सपने तो देखिए आप जॉब या बिजनेस में भी पूरे कर सकते हैं, सपने अगर बड़े नहीं होंगे तो आपको ताकत कौन देगा? कंपनी की तरफ से बहुत से स्पेशल ऑफर्स आते रहते हैं, आप उन्हें अवेल कीजिए। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, शुरुआत की ट्रेनिंग, वो जरूर अटेंड करिए। और बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करना गलत बात होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चीटिंग करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो भी आप चीटिंग करते हैं, जैसा भी आपकी अपलाइन आपको बोलती है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ऊपर वाली अपलाइन से सीखिए कैसे करना है और अपनी डाउनलाइन के सिखाइए ऐसे करना है, और बीच में कमाइए पैसे ही पैसे। तो सेम डुप्लीकेट करना है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोगों की प्रेजेंटेशन फिनिश होती है, समाप्त होती है। और थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन को देखा, समझा, और हो सकता है आज बहुत से लोग हम लोगों के साथ में जुड़ जाएं और मोदी केयर के इस सफर में हम लोगों के साथ चलें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस प्रेजेंटेशन। और अगर आप मेरी टीम के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो श्योरली कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन करिए, और अपना, या फिर मैं अपना जो एमसीए नंबर है वो मेंशन करूंगी, आप मेरी टीम के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए अगर आप खुद ब खुद ज्वाइन करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, www.modicare.com पर जाइए, जो एमसीए नंबर लिखा हुआ है उसे टाइप करिए और अपनी डिटेल्स फिल करिए और मोदी केयर कंसल्टेंट बन जाइए। जैसे ही आप कंसल्टेंट बनेंगे हमारी टीम के साथ में, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को देखने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।